लिया है, आटा है, रोटी बनाता है वही आटा है, गेहूं को उसको बनाए हम बहुत चटपटा नाश्ता। देखना बहुत टेस्टी नाश्ता बनेगा और झटपट बना सकते हो आप, बच्चों को स्कूल में भी रख सकते हैं। ये कटोरी आटा हो, ये कटोरी मैदा है, दोनों बराबर लेना है। ये सौंफ है, ये सौंफ डालेंगे, थोड़ी बढ़िया टेस्ट आएगा आप। और ये है अजवाइन, ये थोड़ी अजवाइन ऐसे मसल के डालना है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देख, और ये है खाने वाला सोडा, चाहे मीठा सोडा बोल ले उससे ही बनता है। और अपन थोड़े से डालेंगे तो अच्छा से बनेगा। ये नमक, नमक तो जैसे अपने को जितने साल जितना डालना है अपने हिसाब से डालना है। मेरे तो ये 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा तेल, ऐसे मतलब 2-4 चम्मच से तेल डालूंगी थोड़ा। देखो आपको बताऊंगी, मैंने तो ऐसे डब्बा से डाल रही हूँ, आप सोचो कि कैसे हैं, कैसे डालती हैं ये तेल। चम्मच से भी नाप लेकर डाल सकते हैं, थोड़ा मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ तेल, 3-4 चम्मच तेल लगा डाल सकते हैं। तेल मतलब ऐसा मिलाना है कि मिलाओ तो ऐसे मतलब आटा को ऐसे बनने लग जाए बढ़िया। और फिर थोड़े थोड़े पानी डाल के आटा लगाना है। तो ये पूरा आटा लगा के तैयार करता हूँ उन्हें। अब चलिए हम आगे को, पहले से मैंने आलू उबाल भी रख गए थे, मैं बनाऊंगी आलू को नाश्ता और आगे को बताऊंगी। मेरे आलू उबल चुके और ये ढक के रख दो, 10 मिनट के काज है, आलू उबल गए हैं। और ये देखो आलू गए 3-4, और मैं इनको थोड़े पीस लेंगी, चाहे पीस सकता हो चाहे अपन वैसे ही मिसल सकता हो, मैं खींच के बना रही हूँ। ये देखो आलू मैंने खींच लाए हैं, कितने बढ़िया किस गए, देखो आलू खींच लाए हैं। और ये है चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच नमक है, ये गरम मसाला है, अजवाइन डालेंगे, उसमें भी अजवाइन डाली थी और इसमें भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। और ये थोड़ी हरी धनिया है, ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची डालेंगे कटी हुई। और ये सौंफ है, ये सौंफ डालेंगे, इसके शीशा में रख लेंगे मैंने, 1-1 चम्मच है ये, 1 चम्मच डालिए, ये डालेंगे तो इससे क्या है अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा। मैंने इसी में चम्मच का नाप रख लिया था तो अलग अलग में कौन बताएगा, एक साथ से गिर जाएगा तो मिला लेंगे। ये प्याज है, एक प्याज काट के डाली है हमने, देखो ये अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिला के हम रखेंगे तक, फिर आगे को बताएंगे। आटा लगा के रखा था, फिर उसको क्या करना है, बहुत जल्दी नाश्ता बनता है ये, और सेवन को ही पसंद आएगा बच्चे को खास करके, जैसे बच्चे को मतलब चटपटा ही पसंद है, मीठा पसंद नहीं। चलिए मैंने 10 मिनट को रखा था, अब 10 मिनट रह चुकी है, अभी ये तैयार है बनने के साथ है। अच्छा मैं इसकी दही बनाती हूँ, पूड़ी जैसी लोई बनाना है, पूड़ी बेल रही है, लम्बी लम्बी बेलना है, देख ये पूड़ी बेल के मैंने बिल्कुल सीधी ऐसी लोई बना कर रखनी है पूड़ी जैसी है। और इसमें ये बनना है मसाला, पानी लगा देंगे थोड़ा, पानी सब क्या है खुले अभी में,
देखो अब तलेंगे इन्हें, बन के तैयार हैं। अब तलेंगे, धीमी आंच में तलना है। समोसा है, समोसे तो है।